عليكم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما، آمين. ويلكم أجين، ليكتشر نمبر 4، كلاس 6، سبجكت إز فيزيكس، شابتر نمبر 9، فورسز أند ماشين. توداي أور توبيك إز جير. What is gear? Toothed wheels are known as gears. Which are meshed together and transfer the motion between two shafts in which one is a driver gear and other one is a follower gear. As we know that slipping of a belt or rope is a common fact in the transmission of motion or power between two shafts. Because of slipping, velocity ratio is reduced. So, to eradicate this problem, we use gear mechanism in any power transmission system, that is, in precision machinery in which a definite velocity ratio is required. Positive drive or gear drive is used. आज हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ गियर इन आवर डेली लाइफ के बारे में. और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड गियर की बात करेंगे किसे कहा जाता है, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि एक व्हील की तरह का, पहिए की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमें दंदाने से नजर आ रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टीथ की तरह का, दांत की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसे कहा जाता है गियर. और जो गियर है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी मशीन्स में, बहुत सारी जैसे हम देखते हैं कार्स में, बाइसिकल्स में. इसके अलावा हैंड्रिल, जिसे के इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी में सुराख करने के लिए, उसमें भी इस्तेमाल हुए हैं गियर. इसके अलावा जो वाइंडअप क्लॉक है, जो घड़ी है, उसमें भी इस्तेमाल होते हैं गियर. अब अगर हम गियर की बात करें कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम एक से ज़्यादा गियर को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो उससे हम एनर्जी को, यानी कि ताकत को, एक व्हील से, यानी ये जो एक पहिए की तरह का स्ट्रक्चर है, इसे दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं कि इससे जो फोर्स की डायरेक्शन है, यानी कि जो हम ताकत लगा रहे हैं, उसकी जो सिम्थ है वो तब्दील की जा सकती है. जैसे कि अगर हम देखें कि हम इस वाले गियर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, और ये इस डायरेक्शन में या इस सिम्थ में मूव करता है. लेकिन इसके साथ जो पहिया मौजूद है, जो इसके साथ गियर मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इनके जो दंदाने हैं वो आपस में इस तरह से कनेक्ट हुए हैं कि जब ये हरकत करेगा तो साथ में ये वाला भी मूव करेगा. लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन उससे मुख्तलिफ होगी. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको भी चेंज किया जा सकता है. या फिर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमने अपने आसपास बहुत सारी बाइसिकल्स यानी कि साइकिल्स को चलते हुए देखा है. साइकिल को अगर हम गौर से देखें तो उसमें हमें नज़र आता है यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसे अगर हम एक और कलर से करें तो एक ये और साथ में हम देख रहे हैं ये क्या मौजूद है, यहाँ पर दो गियर मौजूद हैं. अब ये जो दो गियर मौजूद हैं, इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक चेन के साथ. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या मौजूद है, एक चेन जो इन दो गियर के ऊपर से जा रही है. अब इस चेन की वजह से जो बड़ा वाला गियर है वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि वो जिस सिम्थ में हरकत करता है, जिस तरफ को वो मूव करता है, जो स्मॉलर गियर है वो भी उसी सिम्थ में मूव करेगा. जैसे कि अगर हम पेडल के ऊपर जब ताकत लगाते हैं अपने पाँव से, तो हम देखते हैं कि अगर ये वाला जो गियर है वो इस तरफ को मूव कर रहा है, तो जो हमारा छोटे वाला गियर है वो भी इसी तरफ को मूव करेगा. इनकी एक ही डायरेक्शन, एक ही सिम्थ क्यों है, क्योंकि इनको
जो कनेक्ट किया हुआ है, एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है एक चेन के जरिए से, एक चेन की मदद से। तो हम देख रहे हैं कि बाइसिकल जो है वो भी मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौजूद है गियर, यानी कि गियर यूज हुए हैं। इसी तरह से हमने बात की थी कि गियर जो है वो इस्तेमाल होते हैं वाइंड अप क्लॉक में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो घड़ी है इसे वाइंड अप कहा जाता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे गियर्स मौजूद हैं। अब अगर हम इसको खोल के इसके अंदर देखें तो हमें कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे गियर नज़र आ रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी गियर्स, क्योंकि बहुत सारे गियर मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि जब भी हम घड़ी को देखते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि एक सुई है जो कि मिनट्स की होती है, एक सुई होती है जो कि आवर्स की, घंटे की होती है। अब ये जो मिनट्स हैं, इनकी जो सुई है वो पीछे किसके साथ अटैच है, एक व्हील, एक जिसे हम कह रहे हैं कि मिनट व्हील है, और वो जो गियर है वो छोटा होता है, या फिर हम कहते हैं कि उसके ये जो दंदाने हैं, जो टीथ हैं, जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो गियर छोटा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो टीथ से हैं, जो दंदाने से हैं, ये कम होंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक सुई जो है वो किसकी होती है, जो हमें घंटे बता रही होती है, यानी कि हमें आवर्स बता रही होती है। अब वो जो आवर्स बता रही है उसके जो हम देख रहे हैं पीछे, वो जिसके गियर के साथ कनेक्टेड है, वो गियर बड़ा है, यानी कि लार्जर इन साइज है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब अगर वो बड़ा है, लार्जर इन साइज है, तो इसका मतलब है कि उसके जो टीथ से हैं, ये जो दंदाने से हैं, वो भी ज़्यादा होंगे। तो हम देखते हैं कि जो मिनट व्हील है वो किसको रोटेट कराता है, वो मिनट वाली सुई को, यानी कि मिनट हैंडल को। इसी तरह से जो घंटों वाले जो व्हील है, या फिर हम कहते हैं कि ये जो सुई है वो किस वजह से घूमती है, वो घूमती है क्योंकि ये पीछे कनेक्टेड है आर व्हील के साथ, यानी कि उस गियर के साथ जिसके जो क्या बताता है, जो बड़ा है, जिसके मूव करने से ये वाली सुई मूव करती है और हमें पता लगता है कि अब कितने घंटे गुजर गए हैं। तो ये वाली कनेक्टेड है आर व्हील के साथ, जो घंटे बताती है सुई, और जो सुई हमें मिनट बताती है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो हम देखते हैं मिनट व्हील के साथ। और ये क्या है, गियर्स, यानी कि गियर को यूज़ किया है, इसे इस्तेमाल किया है हमने कहाँ पर, क्लॉक में, यानी कि घड़ी में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया यूज़ ऑफ गियर्स इन आवर डेली लाइफ के बारे में।